दुख इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। जब तक साथ रहता है बहुत सबक सिखाता है, और जब छोड़कर चला जाता है तो सुख देकर जाता है। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, मगर याद रखना किसी मोड़ पर हम तुझे भी बदल देंगे। कौन पूरी तरह काबिल है, कौन पूरी तरह पूरा है, हर एक शख्स कहीं न कहीं अधूरा है। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं होता। निभाने वाले आपकी हजार गलतियां भी माफ कर देते हैं, और छोड़कर जाने वाले आपकी एक छोटी सी गलती पर भी आपको छोड़कर चले जाते हैं। एक झूठा और धोखेबाज इंसान एक ईमानदार और सच्चे इंसान का साथ कभी निभा ही नहीं सकता। कुछ लोग अपनी अकड़ के वजह से न जाने कितने रिश्ते खो देते हैं। अच्छा वक्त अच्छी यादें लाता है, और बुरा वक्त अच्छा सबक दे जाता है। जो तुम्हारे साथ दिल से बात करता हो, उसे कभी भी दिमाग से जवाब देने का पाप मत करना। दिल हजार बार चीखे चिल्लाए चिल्लाने दो, जिनके कानों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती, अब बस उन्हें जाने दो। जो भाग्य में नहीं है वो रोने से भी नहीं मिलेगा, इसीलिए रोना छोड़ो और जिंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ो। कुछ बदलाव तकलीफ तो बहुत देते हैं, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं, धोखा दे रहे होते हैं। भूलना सीखिए जनाब, एक दिन दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। जवानी की लालच में बचपन चला जाता है, और कामयाबी की लालच में जवानी चली जाती है। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर आपका दुख कभी भी कम नहीं होगा। दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह जरूरी नहीं होता। जरूरी तो यह होता है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। ठीक उसी तरह आपका दोस्त गरीब है या अमीर, यह जरूरी नहीं होता, बल्कि मुसीबत में वो आपका कितना साथ देता है, यह जरूरी होता है। बहुत चालाक हो गए हैं ये दुनिया वाले, अपना अपना कहकर कब पराया कर देते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को पूरी दुनिया का ज्ञान दे देता है। मरने के बाद तो चार कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक के लिए तरसते हैं लोग। समय को कभी बर्बाद न करें, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। इसीलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं वो आज से अभी से शुरू करें। संघर्षों के साये में ये जीवन चलता रहता है। जो डरा नहीं, जो थका नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना, जो आपके हक में होगा वो ईश्वर आपको खुद ला कर देगा। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, उन चीज़ों के बारे में चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हमारी जिंदगी के सारे फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त भी हमारे लिए करता है। गलत लोगों की जीत उसी वक्त हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। विचार ऐसे रखो कि आपके विचारों पर भी लोगों को विचार करना पड़े। अब मुझे अकेले रहना ही पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते अब मुझे पसंद नहीं हैं। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, मुश्किलों में ही इंसान ज्यादा निखरते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है आखिर में सब ठीक हो जाता है। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो, तब तक हमें चुप ही रहना चाहिए। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना और सहा है। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं जितने हम बनाए गए हैं। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो। याद रखना वक्त सबका आता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है आप उसी जगह को अच्छा बना लो जहां आप रहते हो। ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है, लेकिन हौसले बुलंद है। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। आज के समय में अमीर का अपराध गलती माना जाता है, और गरीब का गलती भी अपराध माना जाता है। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभलकर करनी पड़े। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। मुझे खामोश ही रहने दो साहब, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ कोई ना कोई रूठ ही जाता है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। नफरत की एक बात बहुत अच्छी होती है कि ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती।
न जाने किस बात पे इंसान को नाज है जो अपने आखिरी सफर के लिए दूसरों का मोहताज है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा? हो सके तो जिंदगी में खुद को बदल लो, दुनिया खुद बदल जाएगी। कई बार हम दूसरों की लाइफ में इतना घुस जाते हैं कि अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का मौका ही गंवा देते हैं। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। जब तक किसी इंसान को आपकी जरूरत न हो, तब तक उसके काम में दखल अंदाजी बिल्कुल भी न करें। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ ही होती है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक और कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करते हैं, इंसान नहीं। यह कलयुग है साहब, यहाँ लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में न दिखाई देते हों, पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। कितनी अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। ऊंचाई पर वही पहुँचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन का सोच रखते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। जरूरी नहीं कि किसी बड़े चोट से ही बड़े घाव हों, अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। लोग झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है, मैंने तो कांटों के साथ रहते हुए फूलों को आज तक चुभते हुए नहीं देखा। सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर ही रहना चाहिए। अपने हर गुनाह पे 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है, तलाश जिंदगी की थी दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिल गए। जिनकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करे, लेकिन ये इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरा होता है। आए वक्त तेरा शुक्रिया, मैंने जो भी सीखा है तुमने ही सिखाया है। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। ये दुनिया है जनाब, यहाँ खूबसूरत शक्ल के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, कई झूठे अगर इकट्ठा हो तो सच्चा भी टूट जाता है। जिंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजर जाते हैं। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूँ, इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई हमारा साथ नहीं छोड़ता, तो ऐसे इंसान का हमें हमेशा कदर करना चाहिए। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो, और खत्म करना हो तो सिर्फ एक बार सच्चाई बयां कर दो। मुझे इसीलिए जीतना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। दो हाथ जोड़कर हम 50 लोगों को तो मार नहीं सकते, लेकिन दो हाथ जोड़कर हम लाखों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज्यादा वफादार मिल जाते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कुछ रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। जिद पर अगर आ जाऊं तो पलट कर भी न देखूं,
मेरे सब्र से अभी तू वाकिफ ही कहाँ है। आजकल के इंसान दिल से नहीं जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। उस इंसान से हमेशा दूरियां बनाए रखना जिस इंसान को अपनी गलती कभी नजर ही नहीं आती हो। जब हम किसी के मुंह में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। गम कहने में तो बहुत कम लगता है लेकिन सहने में बहुत दम लगता है। पूरी उम्र लग जाती है एक होने में और एक लम्हा ही काफी है किसी को खो देने में। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। लोग अगर अच्छे हों फिर भी फासला रखना क्योंकि आजकल जहर भी मीठे मिलने लगे हैं। बहुत कुछ बदल जाता है बढ़ती उम्र के साथ। पहले हम जिद किया करते थे लेकिन अब समझौता किया करते हैं। एक साल में 50 दोस्त बनाना बहुत छोटी बात होती है लेकिन 50 साल तक एक से ही दोस्ती निभाना बहुत बड़ी बात होती है। रिश्तों के बाजार में वही इंसान अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका समय है। जिसे भी दे रहे हैं सोच समझ कर दीजिएगा। टूटे हुए सपने और रूठे हुए अपनों ने आज उदास कर दिया वरना लोग हमसे मुस्कुराने का राज पूछा करते थे। इंसान की अच्छाई पर सब लोग खामोश रहते हैं लेकिन चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। मान और सम्मान पैसों से नहीं संस्कारों से मिलते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। ठोकरों से गिरो तो कोई बात नहीं लेकिन कभी किसी के नजरों से नहीं गिरना चाहिए। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता क्योंकि आप जितना दबते हैं लोग आपको उतना ही दबाते हैं। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के जमाने में। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। गम यह नहीं कि वक्त ने साथ छोड़ दिया, गम यह है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने साथ छोड़ दिया। मुझे जरूरत नहीं है उस इंसान की जो अपने मतलब के लिए मेरे साथ है। मैं खुश हूँ अपने ईश्वर के साथ जो बिना मतलब के ही मेरे साथ है। नमक जैसा किरदार बनाओ अपना। न कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके और न कोई आपके बिना रह सके। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लीजिए क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। बहुत ही चालाक होते हैं ये दुनिया वाले। अपना अपना कहकर कब पराया कर देते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। जिंदगी में वही इंसान असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत कुछ हैं, जानते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं हैं। जब किसी को आपके साथ रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो आपसे बात करना कम कर देता है। आजकल मन देखकर नहीं मकान देखकर मेहमान आते हैं। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है। इंसान से ज्यादा जल्दी रंग और कोई नहीं बदलता। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इस व्यक्ति से कितना मुनाफा होने वाला है। ये जरूरी नहीं है कि अच्छी बातें करने वाला इंसान ही अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलने लगे हैं। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे आपको डसते हैं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए वरना उम्मीद तो हर कोई लगाकर बैठा ही है। चेहरा वही होता है बस आईने बदलते रहते हैं। शब्द वही रहते हैं बस मायने बदलते रहते हैं। रिश्तों को वो नहीं निभाते जिन्हें तोड़ने की आदत हो, रिश्तों को तो वो निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत हो। जिंदगी सिर्फ तभी आसान होती है जब आप दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर यकीन ज्यादा करते हैं। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं। मुश्किलों में ही इंसान ज्यादा निखरते हैं। मीठे लोगों से मिलकर ही मैंने जाना है कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। भरोसा भी एक कांच की तरह होता है। अगर एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती है लेकिन जब बात अपनी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। गलत लोगों की जीत उसी वक्त हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको रुला सकता है वो आपको भुला भी सकता है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं पर जो रास्ता बनाए वही बेहतर इंसान है।
इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून कभी खरीद नहीं सकता। जो खुद बुरे होते हैं वही लोग दूसरों की बुराई ज़्यादा करते हैं। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं है। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है कि आप उसी जगह को अच्छा बना लो जहां आप रहते हो। उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जब वक्त और हालात दोनों साथ न दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। जब कोई समझे न तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, और जब कोई माने न तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगा कर बैठे हो। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर का ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेता हूँ। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, ये आपको बिगड़ने नहीं देती। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ करो, लेकिन इतने भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करो। अकेले खड़े होने का साहस रखो, ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा जो वो सबसे छुपाता है। अगर जिंदगी में शांति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले एक बार अपने चरित्र पर झांक लेना चाहिए। कुछ लोग झूठ भी इतने सफाई के साथ बोलते हैं कि पहचान में ही नहीं आता कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर सकती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को खत्म कर देती है। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही हमें सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं रहता। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। जैसे पैसों की कदर करते हैं, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की कदर कीजिए, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा पर अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह और कहीं नहीं होता, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोला जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे फिर वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ न कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उसी दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। अगर आपका ख्वाब बड़ा है तो आपका संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। इसीलिए संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटें। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ को पकड़कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़कर रखता है। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य ही मिलता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी दूसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं।
प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी जीतने नहीं देता। सोच अच्छी रखेंगे तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे, और अगर नीयत अच्छे रखेंगे तो काम अपने आप ठीक होने लगेगा। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। समय उसके कर्मों का फल उसे जरूर देगा, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आप जिंदगी में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जिसका जैसा कर्म होता है उसका वैसा जीवन होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। कठिनाइयां आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाइयां आने के बाद ही इंसान मजबूत होना सीखता है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिस चीज को आप चाहते हैं उसमें असफल होना, जिस चीज को आप नहीं चाहते उसमें सफल होने से बेहतर है। जो सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे आपका काम बिगाड़े, ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। पैसों से अमीर होना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना बहुत खास बात है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वो उससे लड़ जाता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जो आने वाला कल है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा, यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगा। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लगने लगती है। उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। अगर सच बोलने का शौक है तो अकेले चलना भी सीख लो। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। कटी हुई टहनियां कहाँ छांव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। अगर अंधे आदमी को दिखने लगे तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। कर्म वह फसल है जिसको हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छी बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। नाम और पहचान चाहे छोटी हो मगर अपने दम पर होनी चाहिए। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसकी भाषा में समझाओ। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी होती है उसका नाम मौत है। कभी गौर किया है आपने, जो लोग बहुत कम बोलते हैं वो अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। समय वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है।
कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम हमेशा धोखा ही होता है। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना भी भूल जाते हैं। किस्मत के खेल भी हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को भी तैयार है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। पैसों की कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। जिंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि रोज शाम को सूरज ही नहीं बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी का एक दिन भी ढल जाता है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए जिंदगी मत खोना। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही आपका अपना है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना एक दिन वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। आप थोड़ा सब्र करो, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वाले के चेहरे भी उतर जाएंगे। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। जिनकी वफा पर नाज था हमें, हमने उनके हमराज बदलते देखा है और हालात बदलते ही लोगों के अंदाज बदलते देखा है। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये न बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होता। सपने पूरा करने में इतना देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाए और पूरी उम्र निकल जाए। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ लोग मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वे लोग दूसरों की खुशियां भी खा लेते हैं। जो इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट कर चला जाता है। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से कर रहे हैं। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए लेकिन शब्द नहीं बदलते। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। जो टूटकर भी मुस्कुरा दे, उसे कोई नहीं हरा सकता। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका कभी इंतजार मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, ये हमेशा याद रखना। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा पंख काटने कोई न कोई जरूर आएगा। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती, उन्हें अपने व्यवहार से कमाया जाता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छे अच्छे को भी बदल देता है। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीकों से झलकता है। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमान लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे चाट कर अपना काम निकालते हैं। ये दुनिया है जनाब, यहाँ होठों से नहीं नोटों से बात होती है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, आप सच के साथ चलिए, देखना एक दिन वक्त आपके साथ दौड़ेगा। अपनी जिंदगी ऐसे जियोगी, अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोगों को विश्वास ही न हो। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से लगाई गई उम्मीद मारती है। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, तो समझ लेना कि वो कभी आपके साथ था ही नहीं। मुझे उन लोगों से कोई समस्या नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे तो उन लोगों से समस्या है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं।
परछाई कद से और बातें औकात से ज्यादा होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। आपकी पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि मुसीबत में साथ देने वालों से होनी चाहिए। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे लेकिन मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आएगा। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर ही रहना बेहतर है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार चरित्र और सम्मान की हो। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर न वो किसी से शिकायत करता है और न ही किसी से उम्मीद करता है। जब किस्मत साथ न दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ देते हैं लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे ये पता है कि चुप कहाँ रहना है। हर कोई चाहता है कि सब लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन ये इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरा होता है। चिंता कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं, बस हो जाता है। ऊपर वाले से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। बातें तो हर कोई समझ लेता है पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को भी समझ सके। अपनी जिंदगी में कभी निराश मत होना क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है, मैंने कहा जो अपनों के बिना बीते उसे उम्र कहते हैं और जो अपनों के साथ बीते उसे जिंदगी कहते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। आप अपनी जिंदगी में हर किसी को उतना ही जगह दो जितना वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या तो वो तुम्हें रुलाएगा। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूँ जहाँ मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब ये हर बार झुकेगा। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो फिर दूसरों को दिखाया करो। कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करें जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, कभी कभी खामोश हो जाना ही ज्यादा बेहतर होता है। क्या फर्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, बस जो साथ है वो लाजवाब है। गैरों पर कौन गौर करता है, बात जब भी चुभती है अपनों की ही चुभती है। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फायदा ये हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। दिखावे की कोशिश कभी मत करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। कुछ गम कुछ ठोकरें कुछ चीखें उधार देती है, कभी कभी ये जिंदगी मौत आने से पहले ही मार देती है। अकेले कैसे रहा जाता है, कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। जिंदगी में अगर सम्मान चाहते हो तो थोड़ा अहंकार रखना ही पड़ेगा। जिनमें सच बोलने की क्षमता होती है सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर जाता है। जिंदगी के खेल में हार न मानना जिंदगी की सबसे पहली शर्त होती है। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वो आपके बिना जीना सीख जाए। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। दुश्मन चाहे कितने भी हो पर दोगला यार एक भी न हो। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना, उम्र भी खर्च हुई और हाथ भी कुछ नहीं लगा। कुछ लोगों के नजरों में आप कभी भी अच्छा नहीं बन पाएंगे, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों न कर लो, उनकी नजरों में आप हमेशा फालतू इंसान ही रहोगे। वफादारी मिलेगी हर रिश्तों में जब बात होंठों से नहीं नोटों से होगी। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है।
खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझे मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। कभी कभी जंग जीतने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। सांसों में अगर जीत का नशा हो तो जख्म कहाँ मायने रखते हैं। अकेले छोड़ने वालों को ये बताना भी जरूरी है कि आप अकेले ही बहुत हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना बुरे होने से भी बुरा होता है। हम अकेले जरूर हैं, लेकिन किसी के चमचे नहीं हैं। ये महंगाई का दौर है दोस्तों, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। थोड़ा ध्यान से रिश्ता बनाइए, क्योंकि यहाँ दिखाने वाले ज़्यादा हैं और निभाने वाले बहुत कम हैं। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाइए, वरना आपसे सीखने वाले भी आपसे आगे निकल जाएंगे। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। दुआ में याद करने के जमाने चले गए जनाब, आजकल तो लोग चुगलियों में याद रखते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाते, वो अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होते रहते हैं। जहां अपने साथ छोड़ देते हैं, कामयाबी भी वहीं से शुरू होती है। यह कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उनकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाते हैं। कदर सिर्फ उसी की होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। वहाँ नाराज कभी मत होना जहाँ आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज हैं। जो इंसान जितना अच्छा होता है, वो इंसान उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। मतलब का वजन बहुत भारी होता है, जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। मैंने आजमा लिया है सबको, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। कितना नादान है ये मेरा दिल, ये उसके लिए परेशान रहता है जिनके लिए हम कुछ हैं ही नहीं। आपके दिल से कही गई 100 बातें भी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर आपने एक बार भी गलती से गुस्से में आकर कुछ कह दिया तो लोग आपसे रिश्ता ही खत्म कर लेते हैं। जीवन में परेशानियाँ चाहे जितनी भी हो, लेकिन चिंता करने से वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, तथा ईश्वर का शुक्रिया करने से वो खुशियों में बदल जाती है। जहां आपकी गलती न हो वहां झुको मत, और जहां आपकी इज्जत न हो वहां रुको मत। उस इंसान को कभी मत भूलना जब हर कोई बहाना बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा था। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलबों से नहीं। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें आपका स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। जिंदगी से मिला अनुभव एक सबक सिखाता है। आप उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। जिंदगी में दो चीज़ें टूटने के लिए बनी होती हैं, एक सांसें और दूसरा साथ। सांसें टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, और अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी बदनामी का कारण बनती है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। अपना अस्तित्व बचाने का एक ही तरीका है, प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, और अपनी बुराई से उबलना मत, और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। आज ये जो मेरे हालात हैं, ये एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नज़रों से उतर जाएंगे। सहना चाहिए, मौके पर कुछ कहना भी चाहिए, और ज़िंदगी में शांति से रहना भी चाहिए। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने में जो आपकी कदर नहीं करते। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं बेहतर होता है। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना ही चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यही होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मन पसंदीदा चीज़ों को कुर्बानी दे देता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं।
शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देते हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई हो ही नहीं सकता। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग ऊपर वाले को बहुत पसंद आते हैं। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, सबके लिए एक ही उसूल रखिए। ये रिश्ता भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होती है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होती है। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजर बता देती है कि सूरत कैसी है और स्पर्श बता देता है कि नियत कैसी है। जिसने थोड़े से ही में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। हर रिश्ता की अपनी अपनी सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। मतलब की बात तो सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई कोई ही समझता है। बड़ा होकर आखिर क्या मिला, दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वो बचपन हम फिर से जी पाते। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। खुद को खो दिया हमने लोगों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं है। क्या शिकवा करें हम अपनी किस्मत का, वो लोग भी बदल गए जो कहते थे यकीन करो हम सबके तरह नहीं हैं। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है और डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबरा कर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया है जिनका आपका जीवन में कोई योगदान नहीं था। जब कोई सहारा नहीं होता, तब कुदरत सहारा बनती है। बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। हम किसी की जरूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम किसी के लिए जरूरी नहीं होते। माफ चाहे बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। कभी निराश मत बैठो, हार मत मानो, क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। कुछ रिश्ते अजनबी हो तो ही अच्छा लगता है, जान पहचान तो जान ले लेती है।